आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोट्रे में हम नर्सरी किस प्रकार तैयार करें। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट के बाद कोकोपीट, दोनों का हमें 2:1 लेना है। 2:1 में हम कोकोपीट लेंगे, 1:1 में हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे और सारे मिश्रण को एक साथ मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा मिलाना होगा। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं। सारे मिश्रण को एक साथ दोबारा मिक्स कर लें। हमें ये सारा मिश्रण एक बार दो बार करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करके ही हमें अपने सीडलिंग ट्रे में डालना है। ध्यान रखें कि मिश्रण अच्छी तरह मिक्स हो और इस मिश्रण में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल हो तो उसे बाहर निकाल दें। जब हमारा मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाए तो हमें सीडलिंग ट्रे में डालना है। आप सीडलिंग ट्रे मार्केट से भी ले सकते हैं, ये अलग अलग साइज़ की मिलती हैं, 98 खाँचे, 104 और 49 खाँचे में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं या आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, मिश्रण को हमें सीडलिंग ट्रे के ऊपर अच्छी तरह डालना है। डालने के बाद थोड़ा दबाव डालकर इसे इन साँचों के अंदर अच्छी तरह भर देना है। ध्यान रखिए कि सभी साँचों में अच्छी तरह मिश्रण भरा जाए, कहीं से कोई साँचा खाली न रह जाए। भरने के बाद थोड़ा इस पे दबाव डालें और दबाव के साथ इन साँचों को अच्छी तरह भर दें। और फिर दूसरी ट्रे से हमें थोड़ा सा दबाव डालना है जिससे खाँचे सही सेट हो जाएं और हमें बीज डालने में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। चलिए मैं आपको एक दूसरी ट्रे भी भर के दिखाता हूँ कि किस प्रकार भरते हैं। सबसे पहले हमें मिश्रण डालना है। मिश्रण डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से हमें इसके ऊपर दबाव डालना है। सभी ओर से अच्छी तरह दबाव डालकर हमें भरना है। इस प्रकार हमें सभी पोट्रे को भर लेना है और भर लेने के बाद हमें बीज डालना है। आज मैं इन सभी ट्रे के भरने के बाद आपको बताऊंगा कि मैं इनमें बैंगन की नर्सरी करने जा रहा हूं और बैंगन के नर्सरी का बीज हमें इन पोट्रे में किस प्रकार डालना है वो विधि। तो चलिए अब मैं आपको बीज डालना बताऊंगा किस प्रकार इनमें हम बीज डालेंगे। ये मैंने बैंगन का बीज लिया है, ये देसी बैंगन का बीज है। ध्यान रखिए कि बीज एक तो सेंटर में होना चाहिए, दूसरा एक एक बीज हमें डालना है। सेंटर में बीज होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि सभी
जो पौधे उगेंगे उनकी एक दूसरे से बराबर दूरी होगी, जिससे पौधे अच्छे ग्रोथ करेंगे। इस प्रकार आपको एक 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 करके बीज डालना है। और सारी सीडलिंग ट्रे को कंप्लीट करना है। बीज डालने के बाद अगर आपको कोई दो बीज दिखे तो उन बीजों को बाहर निकालना है और हल्के हल्के हाथ से या सॉरी अंगुली से इनको दबा देना है, जिससे हमारा बीज सही दब जाए, जिससे कि हम बाद में इनके ऊपर कोकोपीट डालेंगे तो बीज बाहर नहीं आएगा। सारे बीज को दबा देने के बाद हमें इसके ऊपर कोकोपीट डालनी है, जो किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, केवल कोकोपीट है, क्योंकि कोकोपीट बहुत हल्की होती है और इससे बीज का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। हल्के हल्के हाथ से इनके ऊपर कोकोपीट डालनी है। कोकोपीट डालने के बाद सभी खाचों को एक समान ढक देना है, जिससे कोई बीज बाहर ना आए। कोकोपीट डालने के बाद हल्का हल्के हाथों से इस कोकोपीट को भी दबा